हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं आपका डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से, और आज हम बात करने वाले हैं डार्क स्पॉट्स रिमूवल एट होम। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ऑलमोस्ट हर ब्राउन स्किन यानी कि इंडियन स्किन टाइप का पेशेंट परेशान रहता है। हमारे जो कलर सेल्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और इसके कारण हमें काफ़ी सारे ब्राउन और डार्क स्पॉट्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इन डार्क स्पॉट्स को कम कर सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि ये डार्क स्पॉट्स कौन से होते हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं जो आप खुद घर में ठीक कर सकते हैं, और फिर कौन सी कंडीशंस हैं जिसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत रहेगी। अब डार्क स्पॉट्स के कई सारे कारण हो सकते हैं। डार्क स्पॉट्स हमें किसी इंजरी के बाद बन सकते हैं, हमें एक्ने के बाद हो सकता है, हमें कोई लेंटेजन्स हो सकते हैं जो कि एजिंग के कारण होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, मिलाज्मा यानी कि झाइयाँ जो हमारे दोनों साइड पर आ जाती हैं वो भी बन सकती हैं। तो इतने सारे कॉजेज क्योंकि डार्क स्पॉट्स के हैं, तो ऑफकोर्स उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। पर इस वीडियो में मैं आपको अपना 3-स्टेप फॉर्मूला बताऊँगा जिसको यूज़ करके आप इनमें से ज़्यादातर डार्क स्पॉट्स में एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। पहले हम ये जान लेते हैं कि डार्क स्पॉट्स होते क्यों हैं। हमारी स्किन पे जब भी कोई इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहाँ पे कई टाइप के सेल्स आते हैं उसको ठीक करने के लिए। इनमें से एक सेल्स होते हैं मेलानोसाइट, जिनको हम कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स बोलते हैं, और ये हीलिंग में भी पार्ट लेते हैं, और ये कलर वहाँ पर छोड़ना शुरू करते हैं। वो कलर वहाँ धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन ख़त्म होने के बाद डार्क स्पॉट्स को छूट जाना। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, खासकर एक इंडियन स्किन में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कलर सेल्स हमारे खास एक्टिव होते हैं जो कि कंटिन्यूस मेलानिन छोड़ते हैं, जो कि हमारे कलर बनाने वाले सेल से धीरे धीरे ऊपर जाके हमारे स्किन सेल्स में बैठ जाता है और हमारी स्किन पर दिखाई देता है। ये रोकने के लिए हम SPF 30 या उससे ज़्यादा वाली सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए बोलते हैं। जितना ज़्यादा SPF है उतनी प्रोटेक्शन ज़्यादा रहती है। इसके साथ सनस्क्रीन जिनमें कि UVA फिल्टर होता है PA ग्रेडिंग के साथ, वो हम यूज़ करने के लिए बोलते हैं। हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 या 3+ PA ग्रेडिंग की सनस्क्रीन हो। सनस्क्रीन के अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको प्रोटेक्शन देगा, वो है आपका फिज़िकल बैरियर। अब ये फिज़िकल बैरियर आप कैप के फॉर्म में हो सकता है, कोई हैट के फॉर्म में हो सकता है, गाड़ी में जाते हुए ब्लैकआउट्स के फॉर्म में हो सकता है। आप अवॉइड कर सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर, शेड में रह सकते हैं, क्योंकि आप कितनी भी सनस्क्रीन लगा लें, कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट जो है वो आपके स्किन में पेनिट्रेट करती है, इसलिए फिज़िकल प्रोटेक्शन को बेस्ट माना गया है। पॉइंट नंबर 2 है डीपिगमेंटेशन। ऑफकोर्स हमें अगर कलर कम करना है तो हमें कलर बनाने वाले सेल्स यानी कि मेलानोसाइट से कलर की प्रोडक्शन यानी कि मेलानिन की प्रोडक्शन कम करनी है। इसके लिए कई सारे सीरम्स मार्केट में अवेलेबल है, कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, रिसोर्सिनॉल, लिकोरिस, इन सबको आप यूज़ कर सकते हो। इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, आप जो भी यूज़ करते हो उसे आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है एक्सफोलिएशन, जो हमारी टॉप लेयर है स्किन की, जिसमें ऑलरेडी कलर बन चुका है, ऑलरेडी कलर जमा हो चुका है, उसको हटाने से हमें नई फ्रेश स्किन नीचे से हमारी आती है बाहर, और उसके कारण हमारा स्किन पहले से ज़्यादा ग्लोइंग लगता है। एक्सफोलिएशन रिंकल्स को भी कम कर सकता है, इसलिए ये भी खास रिकमेंडेड है। और इन तीनों स्टेप्स के कॉम्बिनेशन से ज़्यादातर डार्क स्पॉट्स में आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगी। अब इस 3-स्टेप फॉर्मूला के अलावा भी कुछ टिप्स हैं जो कि आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए अपने डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए। सबसे पहले तो सन एक्सपोजर को लिमिट करना, 12 से 4 की धूप को डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना। अगर आप सी एरिया में जाते हैं या फिर आप हिली साइड में जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर सन प्रोटेक्शन करना। नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करना। जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन एक मेन कॉज है डार्क स्पॉट्स का, तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करके हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के सीरम्स भी आते हैं, जैसे कि विटामिन सी बेस्ड सीरम, और भी कई सारे ऐसे सीरम्स हैं
जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं और मैंने इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सीरम्स के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हम ओरली भी ले सकते हैं, ये हम किसी सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हैं या फिर हम ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जो कि जूसी रहते हैं, कलर्ड रहते हैं, जैसे कि अनार। तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है और ये भी हमारे डार्क स्पॉट्स को कम करने में हेल्प करता है। काफ़ी सारे अजीब अजीब से हैक्स हमें YouTube और Instagram पे मिलते हैं, जैसे कि लेमन लगा लेना अपने चेहरे पे या फिर टूथपेस्ट अपने एक्टिव स्पॉट्स पे लगा लेना। ये सब जो हैक्स है इनका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और बेस्ट होगा कि इससे आप दूर रहें। अगर आपको पिंपल्स होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि पिंपल्स को स्क्वीज ना किया जाए। अगर पिंपल्स को स्क्वीज़ किया जाता है तो एक कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं एक्ने एक्सकोरी। ये आपके पिंपल स्पॉट से भी बड़े मार्क्स छोड़ देता है और इसे ठीक करना खास मुश्किल होता है और बिना लेजर्स के इसको ठीक करना लगभग नामुमकिन है। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ रखे हैं आपके डेमो के लिए, किस टाइप का स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन डार्क स्पॉट्स। तो मॉर्निंग में आप एक स्टार्ट कर सकते हो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश से। इसमें सैलिसिलिक एसिड है और टी ट्री ऑयल है जो कि एक्ने स्पॉट्स को काम करता है। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम। ये एक सीरम है जिसमें विटामिन सी तो है ही, बट उसके अलावा और भी कई सारे अलग टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और उसके ऊपर से आप टेंटेड सनस्क्रीन, खास मुझे पसंद रहती है जब हमें सनस्क्रीन देनी होती है डार्क स्पॉट्स से सफ़र करते हुए पेशेंट को। इवनिंग में आप यूज़ कर सकते हो कोई डीपिगमेंटिंग सीरम। डीपिगमेंटिंग सीरम अलग अलग रेंज में आते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल भी आते हैं कुछ और कुछ एक्सपेंसिव भी रहते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से उसको यूज़ करो और लॉन्ग टर्म में यूज़ करो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये डीपिगमेंटिंग एजेंट्स हैं जो कि डार्क स्पॉट्स में काम करते हैं, बट उसके अलावा रेड स्पॉट्स में भी काम करने वाले एजेंट्स होते हैं जिसमें कि एजिलिक एसिड, टनाइजमिक एसिड, ऐसे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। कुछ मॉइस्चराइजर्स भी ऐसे आते हैं जो कि रेड पिगमेंटेशन में आपको इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला है, इसमें आर्निका रहता है। आर्निका जो होता है वो रेड पिगमेंटेशन को कम करता है। और एक्सफोलिएशन लास्ट में आप कर सकते हैं हफ्ते में एक या दो बारी। ये एक प्रोडक्ट है जो एक्सफोलिएशन में हेल्प करता है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। ऐसे आप रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डेमो मैंने आपको दिया है, बस आप ऐसे ही यही प्रोडक्ट्स या फिर इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो जो कि मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको हमारे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स के बारे में और जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो serenskin.com। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। तो ये थी मेरी वीडियो डार्क स्पॉट्स को कम करने पर। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे और सपोर्ट कर सकते हैं। मैं लाता रहूँगा ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय।